फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको मेथी के जालीदार सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी पकौड़े, जिसे हम गुजराती में मेथी के गोटे कहते हैं, वो बनाकर उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हमें एक बाउल जितना मेथी लेना है, लेकिन ये बताने चाहती हूँ, यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी पत्तियाँ लेनी, इस तरीके से पत्तियाँ लेनी है हमें। उसके यहाँ पे डंडी जो रहती है उसको नहीं लेना है। तो सारे जो मेथी के हमने इस तरीके से डंडी सब पत्ते निकाल के उसे अच्छे से वॉश करके चॉप करके ले लेते हैं। ही में बेसन की खट्टी मीठी चटनी पर बनाकर बताऊंगी। मेथी को मैंने अच्छे से 5-6 पानी से धो के इस तरीके से काट के ले लिया है। फिर यहाँ पे एक बाउल मैंने यहाँ पे मेथी लिया है, तो उसके दोगुना यानी डबल हमको बेसन लेना है। तो आप देख सकते हैं, करीब मैंने 300 ग्राम, ये 150 ग्राम जितना मैंने मेथी है, तो मैंने 300 ग्राम जितना बेसन लिया है। एक कटोरी जितना मैंने हरा धनिया लिया है, 3 से 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, उसे इस तरीके से काट लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें लाल मिर्च नहीं डालनी है, तो आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जिस तरीके से आपका टेस्ट है। ज़्यादा तो तीखा ही अच्छा लगता है, इसलिए अगर आप लाल मिर्च डालना नहीं है, तो हरी मिर्च का प्रमाण जो बेस है वो उसको बढ़ा सकते हैं। और 1 टेबल स्पून के जितना मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, और साथ में धनिया जीरे का पाउडर लिया है, और थोड़ी मैंने सौंफ ली है। 1 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने सौंफ लिया है। फ्रेंड, यहाँ पे आपको धनिया जीरे का जो मैंने यहाँ पे पाउडर लिया, उसकी जगह आप साबुत धनिया जीरा ले सकते हैं, और साथ में काली मिर्च की वो भी ले सकते हैं। मैंने उसे स्किप किया है, आप अपने हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है, और 1 टेबल स्पून जो है ना हींग लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शक्कर लिया है, और 2 टेबल स्पून जितना है मैंने यहाँ पे नींबू का रस लिया है। आपको नींबू के रस की जगह आप नींबू के फूल भी डाल सकते हैं। साथ में 1/2 टेबल स्पून जितना मैंने हल्दी लिया है, टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो मीठा सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा, उसको लिया है। इस दोनों की ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। अब हम मेथी के गोटे बनाने का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उस बाउल के अंदर हमने जो बेसन लिया है 300 ग्राम, उसको छान के ही लिया है, आप देख सकते हैं, उसे इसी तरह से अंदर डाल लेते हैं। पूरे बेसन को डालने के इस तरीके से डाल लेना है, ठीक है। अब बेसन के अंदर हमें हल्दी और नमक उसको ना डाल देना है, साथ में हींग, अपने हींग को भी डाल देंगे, और धनिया जीरे का पाउडर डालना है, सौंफ को डाल देंगे, शक्कर को डालना है, और जो अजवाइन ली है उसे सीधा डायरेक्ट नहीं डालना है, उसे हमें हाथ से थोड़ा इस तरीके से मसल के डालना है। हर बार मैं बताती हूँ आपको, फिर भी एक बार अलग से बता देती हूँ, इसे इस तरीके मसल के डालना है। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पूरा मसाला जो है अपने बेसन के साथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमने मेथी ली है वो वॉश करके लिया है अच्छे से, वो थोड़ा पानी वाली रहेगी, तो थोड़ा मसाला उसके साथ चिपक जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले बेसन के अंदर ही इसे पूरा मिक्स कर लेना है। हमने जो मेथी लिया है उसको हम इसके अंदर से डाल देंगे, मेथी के साथ में ही जो धनिया लिया है उसे डाल देंगे, उसके साथ में सबको हमें मिक्स करना है इसके लिए। और जो चॉप की हुई अपनी जो हरी मिर्च है उसको, और अदरक को भी इसी के साथ में मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से फ्रेंड्स हमें मिक्स कर लेना है। अभी पानी नहीं डालना है, ज़रूरत पड़ने पर ही पानी डालेंगे, पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं किस तरीके से पूरा अपना जो बेसन है वो इसके साथ में ही आ चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अब हम धीरे धीरे पानी डाल के पूरा, इतना मैंने 1 गिलास जितना पानी लिया है, अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे ही डाल के उसे अपना जो गोटे हैं उसके लिए करना है, अच्छे से उसे मिक्स करते रहना है। मेथी का अपना गोटे है मनवाने वाले, तो इसके लिए अंदर मेथी का टेस्ट आना चाहिए, इसलिए देख सकते हैं ज़्यादा पानी नहीं डाला है, और अपना जो बेसन का माप है वो भी इस तरीके से बहुत ही अच्छा। अब जब देख सकते हैं इस तरीके से अपने पकौड़े आ जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बेसन चाहिए और मेथी कम चाहिए, तो वो आप उसके डबल बेसन को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम अपना जो नींबू का रस लिया है उसे डाल देते हैं, उसे भी अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं पूरा इस तरीके से अच्छे मिक्स कर लेंगे। देखिए, अपना मेथी के गोटे का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम तेल को गर्म करने के लिए रख लेते हैं। शुरू में हमें गैस की लो को मीडियम पर रखना है, और इसे तेल को भी हम गर्म होने के लिए रख लेते हैं। मंगवाया कि नहीं ये देखने के लिए हम थोड़ा बैटर डाल के देख लेते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम बैटर के अंदर हमने जो बेकिंग सोडा लिया है, मीठा सोडा लिया है, उसको डाल देंगे, और जो तेल गर्म हुआ है उसमें से करीबन 1 टेबल स्पून जितना तेल इसी के ऊपर हमें डालना है, और पूरे मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं पूरा अपना मिक्सर अच्छे से मिक्स कर लेना है। पूरा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम पकौड़े उतार लेते हैं, पकौड़े को तल लेते हैं। देखिए, अच्छे से
सभी टुकड़ों को इस तरीके से हमें ले लेना है। हमें अभी नहीं पलटाना है, दो मिनट होने के बाद ही से हम पलटाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पकौड़ों को पलटा लिया है। आप कुरकुरे ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको मतलब ज़्यादा क्रिस्पी खाना है तो उसको आप ज़्यादा ब्राउन करना है, लेकिन अगर हमें इस तरीके से पकौड़े करने हैं, सॉफ्ट ही और जालीदार करने हैं, तो अभी हो चुके हैं हमारे पकौड़े। हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं सभी पकौड़ों को इस तरीके से निकाल लेंगे। सभी पकौड़े निकालने के बाद हम इसे आप देख सकते हैं पूरे अपने एकदम से सॉफ्ट और हो चुके हैं पकौड़े। के लिए थोड़ी मिर्च को भी हमें ले लेना है, तले मिर्च के साथ में, गोटे के साथ में खाने के लिए भी हम गोटे के साथ में। खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून बेसन लिया है। उसके अंदर हम टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हींग लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे शक्कर लिया है। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च को इस तरीके से गोलाकार में काट के लिया है। टिक्की के अंदर मैंने फ्रेंड्स पानी से चटनी बनाई थी। यहाँ पर मैं बोला था कि मैंने छाछ या दही भी डाल सकते हैं, तो अभी मैं इसका आपको छाछ से बनाकर बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं छाछ से इस तरीके से हमने यहाँ पे 1 गिलास पानी पानी की जगह मैंने यहाँ पे अपना जो छाछ है उसको लिया है। इस तरीके से अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। अगर आप छाछ और दही नहीं लेते हैं तो पानी से मिक्स करते हैं, तो उसके साथ में आपको जो मैंने यहाँ पे दही छाछ लिया उसकी जगह आपको नींबू को डालना है। नींबू के साथ में उसको मिक्स करना है, अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। छाछ को थोड़ा और भी डालेंगे, थोड़ा पतला करना है, क्योंकि हम जब इसको गैस पर लगाएंगे और उसको पकने के रखेंगे एक बार आने तक, तो थोड़ा ज़्यादा या मतलब थिकनेस वाला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं। रखते हैं पूरा 1 गिलास का मैंने यहाँ पे छाछ डाल के कर लिया। और फ्रेंड्स हम उसका जो तड़का लगाना है चटनी के लिए वो कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक पतीली को मीडियम आँच पर ही हमें 1 किलो को रखना है। 2 टेबलस्पून जितना हमें तेल लेना है। गर्म हो जाए तब उसके लिए हमें अभी सरसों को डाल देना है। इस तरीके से करीबन 1 टेबलस्पून जितना है यहाँ पे मैंने सरसों लिया है, और साथ ही में नीम के पत्ते को भी इसके साथ में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपनी राई और जो नीम के पत्ते वो अच्छे से हो चुके हैं। अब हमने जो बैटर बनाया है उसको इसी साथ में डाल देंगे अच्छे से, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसको हमें 2 या 3 उबाल आने देना है। फ्रेंड्स 2-3 उबाल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमने जो चॉप करके धनिया है उसको डाल देना है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेसन की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, ज़्यादा अगर पतली रखनी है तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरीके से अच्छी थिकनेस वाली भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं इस तरीके से रखा है। अब इसे हम अपने जो पकौड़े बनाए हैं मेथी के गोटे उसके साथ में सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जालीदार, सॉफ्ट और एकदम से अच्छे से अपने मेथी के गोटे, जो मेथी के पकौड़े कहते हैं, वो बन चुके हैं। फ्रेंड्स इसके साथ में बेसन की खट्टी मीठी चटनी भी हमने बना के रेसिपी में बता दिया है, ले लिया है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।